When oscillator complete 100 oscillation, its amplitude reduce 1/3 of initial value. अब देखो, अभी नया टाइप का ऑसिलेटर, अभी तक क्या पढ़ते थे SHM में, क्या होता था, एक बार SHM हो गया तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक वैसे चलता चला जाएगा, फ्री ऑसिलेशन। लेकिन अगर वही ऑसिलेशन एयर में हो, अगर एक ब्लॉक है मेरे पास स्प्रिंग से अटैच करके एयर में ऑसिलेट करा दूंगा, तो कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा यार, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं, इसको बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन। इसमें एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट होता है, अगर वो एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट होता है तो उसके एक फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी, ई की पावर माइनस बी टी, ये एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन होता है। तो वेयर बी इज द डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, टी इंस्टेंटेनियस टाइम है, ए नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था, या यूं कह लो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि जब एक बार आप इसको छोड़ोगे उस वक्त एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उसके बाद धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। और ए क्या है, जब टाइम टी है उस वक्त एम्पलीट्यूड ए है। तो ये बात समझ में आ गया, वेरिएबल एम्पलीट्यूड का प्रॉब्लम है, मतलब डैम्पिंग का क्वेश्चन है। तो इस इक्वेशन को दो बार लगाना है, पहला केस में कि 100 ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड 1/3 हुआ, तो एम्पलीट्यूड जब 200 ऑसिलेशन होगा तब एम्पलीट्यूड कितना होगा, ऑब्वियसली अब पहले से कम ही होगा, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये ज़्यादा हो गया 2 times, तो इसके चांस बनते हैं इन तीनों के। चलो करते हैं हम लोग, पहले केस में लगाऊं तो एम्पलीट्यूड 100, पहले केस में 100 ऑसिलेशन हुआ, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, समझना। एक बार यहाँ से पार्टिकल गया, मीन पोजीशन से गया, वापस आया, इधर गया वापस आया, तो जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड टी होता है। तो 100 ऑसिलेशन हुआ तो पूरा टाइम कितना लग गया, 100 टी किया गया, 100 टी, 200 ऑसिलेशन में टाइम कितना लग गया टी डैश, 200 टी। तो अब एम्पलीट्यूड पहले केस के लिए, एम्पलीट्यूड ए जो है वो ए नॉट बाई 3 हो गया पहले केस में, और ई की पावर माइनस, एक बार मैं आपको यहाँ अच्छे से लगा देता हूँ, ए नॉट बाई 3 और e की पावर माइनस 100 b और टाइम पीरियड t, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहले कंडीशन का इक्वेशन है। दूसरे कंडीशन के लिए निकालो, एम्पलीट्यूड a डैश हो गया और e माइनस 200 b टाइम पीरियड t, दिस इज द इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और क्या निकालना है, a डैश कैसे किया जाए बोलो। अरे भाई यहाँ एक ए नॉट भी था, तो ए नॉट ने ए नॉट को ख़त्म कर दिया, तो ये इक्वेशन जो बनेगा 1/3 ई की पावर माइनस 100 बी टी बनेगा। तो इसको सॉल्व करना ए डैश, एक काम करो इसको उठा के यहाँ रखो, ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे कैसे इसी को किसी को उठा लोगे, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करोगे तो टू, इसको स्क्वायर करोगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 200 बी टी है, तो इसको स्क्वायर कर दो तो मेरी बात बन जाएगी। तो 1/9 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 200 बी टी आ जाएगा, कैपिटल टी है ये, कैपिटल टी आएगा ये। अब 1/9 इसको स्क्वायर करने के बाद इसकी जो वैल्यू है ई की पावर माइनस 200 बी टी वो ये है, तो ये डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/9, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। एम्पलीट्यूड कम होता है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में घटता चला जाता है, ग्राफ देखोगे तो डैम्प का ऐसे घटता चला जाएगा। चलो, ए मास सस्पेंडेड सेपरेटली बाय